दरअसल ऐसा होता है कि आदमी लिखना शुरू करता है जब वो प्यार में होता है, और वो अच्छा लिखना तब शुरू करता है जब प्यार नाकामयाब हो जाए। तो कुछ पंक्तियां नाकामयाब प्यार के लिए। ये सारे रास्ते अब हैं उम्मीदें, तुम चले आओ। उम्मीदें मीन स्लीपी। ये सारे रास्ते भी अब उम्मीदें हैं, चले आओ। जरा सा हम बहक जाएं, जरा सा तुम बहक जाओ। भले हो आग का दरिया, मगर कुछ बात है इसमें। चलो फिर हम भी बह जाएं, चलो फिर तुम भी बह जाओ। कभी सांसों की चिंगारी है सब कुछ राख कर देती। चलो फिर हम भी जल जाएं, जरा सा तुम भी जल जाओ। नजर से कब तलक समझें, बहुत सारे लोगों की दिल की बात है। नजर से कब तलक समझें, जरा होठों को हिलने दो। कहा हमने अभी तक जो, जरा सा तुम भी कह जाओ। अगली चार पंक्तियां। मेरी बर्बादियों का जश्न मैं खुद ही मनाता हूं। मैं अब अशकों के धारों से खुदी का घर जलाता हूं। तुम्हारी याद दीवारों में कुछ ऐसी समाई है, मैं सड़कों पे ही सोता हूं, जरा घर कम ही जाता। तो मिमिक्री की शुरुआत करता हूं। शाहरुख खान साहब के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। शाहरुख खान साहब के यहाँ बच्चा मैंने इतनी बार पैदा कर दिया जितना शायद शाहरुख खान साहब भी नहीं कर पाएंगे। तो शाहरुख खान साहब के यहाँ बच्चा पैदा होता है। शाहरुख खान अपनी माँ के पास पहुंचते हैं। माँ, माँ देखो ना माँ, मुझे लड़का हुआ है। माँ, माँ आंखें तो देखो। हाँ खे तो देखो, बिल्कुल अमिताभ की तरह। माँ बॉडी देखो माँ, बिल्कुल सनी देओल की तरह। डॉक्टर परेशान हो जाता, अरे शाहरुख साहब कुछ आपके जैसा है कि नहीं। बिल्कुल मेरी तरह होता है माँ। आज तो बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत बड़ी पार्टी। तो उनके घर में बहुत बड़ी पार्टी होती है। तो सबसे पहले हमारे ओम प्रकाश साहब पहुंचते हैं, ओम प्रकाश पुराने कलाकार। मेरी भगवान देखो ना कितना प्यारा बच्चा है, अगर हमारा बच्चा होगा तो इतने भी प्यारा होगा। आपके बच्चा कैसे हो सकता है, आप तो बूढ़े हो गए। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, इश्क करते हैं मगर कोई शक नहीं करता। वो इतना कह के निकलते हैं, इसके पीछे हमारे संजीव कुमार साहब पहुंचते हैं। संजीव कुमार शोले के ठाकुर। शाहरुख सुना है तुम्हें बेटा पैदा हुआ? नहीं शायद पुस्तकों में आज तक कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। मैं इसे रामगढ़ ले जाऊंगा और वहां पर गब्बर के बच्चों से लड़वाऊंगा। इतना कहते हैं, इसके पीछे हमारे अशोक कुमार साहब पहुंचते हैं। अशोक कुमार, अरे बेटे कपक हो, अरे बहुत प्यारा बच्चा है ये, मैं इसको गाना सुनाऊंगा। अरे चुप 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 रेल गाड़ी। वो गाते ही निकलते हैं, इसके पीछे हमें प्राण साहब पहुंचते हैं। प्राण, अरे बहुत बहुत मुबारक हो चारों, तुम्हें बेटा पैदा हुआ। ये बेटा मुझे दे दो, मैं इसे दुनिया का नंबर वन विलन बना दूंगा। वो बच्चा लेते हैं, फिर अजीब समूह बनाते हैं, फिर कहते हैं, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ले जाओ अपने बच्चे को, कर दी इसने गंदगी। इसके पीछे हमारे राजकुमार साहब पहुंचते हैं। राजकुमार, अरे शाहरुख जानी, आज सुना है तुम्हें अब बेटा पैदा हुआ। हम तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत सारी तोहफे लाए हैं, जैसे सफेद जूते, सफेद मोजे और सफेद रंग की चड्डी। वो निकलते हैं, इसके पीछे हमारे धर्मेंद्र साहब पहुंचते हैं। धर्मेंद्र, बहुत बहुत मुबारक हो शाहरुख, तुम्हें बेटा पैदा हुआ। आज तुम्हारे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी, आज बच्चा भी हो गया, लेकिन मेरे पास माँ है। माँ हे माँ, उतना कहते निकलते हैं। इसके पीछे हमारे सनी देओल साहब पहुंचते हैं। सनी देओल, पापा जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे, अरे ये बच्चा तो बहुत प्यारा है, ला शाहरुख इसे मुझे दे दे, मैं इसे डांस करके सिखाता हूँ। अरे पहले खुद तो डांस सीख लो। हाँ ए खैर, अभी मुझे पाकिस्तान जाके वहां पे गदर मचानी है, मैं चलता हूँ, बाय। उतना कहते हैं निकलते हैं। इसके पीछे हमारे संजय दत्त साहब पहुंचते हैं। संजय दत्त,
अरे शाहरुख, अभी सुना तुझे बेटा पैदा हुआ? अबे बेटा तो तेरा है, मगर पहन तो सलमान खान का लगता है। अरे देख, इसने तो कुछ भी नहीं पहना है। वो निकलते हैं, इसके पीछे हमारे अमोल पालेकर साहब पहुंचते हैं। अमोल पालेकर, अरे सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको बेटा पैदा हुआ सर। सर मैं इसे लेके सहेली बनाऊंगा सर, उसको जरूर ऑस्कर मिलेगा सर। सर वो पुरानी वाली तो सर राम प्रसाद ने बनाई थी सर, ये वाली लक्ष्मण प्रसाद बनाएगा, जरूर हिट होगी सर। वो इतना कहते हैं निकलते हैं, इसके पीछे हमारे कमल हासन साहब पहुंचते हैं। कमल हासन, वो कुछ गाने के मूड में होते हैं तो आते ही गाना सुनाते हैं। रेशमा रेशमा तेरे चेहरे में हो जादू भाई, जाना होता है और कहीं बड़ी डेबिट कहीं चलाता हूँ। शाहरुख तुम्हें पार्टी देने का तरीका नहीं है और मेरे पास सारी कारें हैं। वो इतना कह के वहां से निकलते हैं। इसके पीछे में शत्रुघ्न सिन्हा साहब पहुंचते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, अब बधाइयों के लल्ला, मनी को धन कहते हैं, बंदूक को गन कहते हैं, और जिसकी आवाज बहुत कड़क उसे शत्रुघ्न कहते हैं। उनकी आवाज सुनता है बच्चा रोने लगता है। तुम्हारे राजेश खन्ना साहब वहां पहुंचे। राजेश खन्ना, अरे ना बेटा ना, अरे अपने के आंसू पोछ डालो रे, बिकॉज आई हेट टीयर्स रे। अरे मैं तुझे डांस करके सिखाता हूँ रे। हमारा जिसके में डांस करके वहां से निकलते हैं। इसके पीछे हमारे इरफान खान साहब पहुंचते हैं। इरफान खान, क्या भैया पहचानते हो? उनको पहचानते हो ना? गुरिल्ला नहीं भैया, सुअर है। सुअर गप्पर नहीं भेजा हमको, बच्चा उठा ले जाएंगे तुम्हारा। और देख लो भैया, आए हैं तो करके ही जाएंगे। और देखो, अगर बच्चा नहीं उठाए ना, गौरी को उठा ले जाएंगे कसम से। तो सनी देओल कहते हैं, अरे भैया क्या क्या मारने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? अरे भैया हम तो यहाँ पे बस गिफ्ट देने आए थे भैया, ये लो हज का छोटा टीचर। बता क्या क्या वहां से निकलते हैं। इसके पीछे हमारे अजय देवगन साहब पहुंचते हैं। अजय देवगन, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है शादी के बाद बच्चे पैदा करना। और वो तूने कर दिया, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। इसके पीछे हमारे अमिताभ बच्चन साहब पहुंचते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं। अरे शाहरुख भैया, सुना है आपने अपने बच्चे को पोलियो की दवा नहीं पिलाई? अरे जाइए नजदीक के पोलियो बूथ पर, जाइए और पोलियो की दवा पिलाइए, बस दो बूंद जिंदगी की। तभी पार्टी में कुत्ता आ जाता है। कुत्ता पहुंचता है हमारे परेश रावल के साथ। परेश रावल के पास पहुंचता है। परेश रावल कुत्ते को देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या बेस्ट साले, साला वेलजी भाई को काटने आया, साला जानता नहीं वेलजी भाई कुत्ता कटवाने के पैसे लेता, चल पैसा दे काट के जा, भारत माता मैं कुछ नहीं आता। कुत्ता वहां से जाता है और पहुंच जाता है मुकेश खन्ना, भीष्म पितामह जो महाभारत में हुआ करते थे। वो अपनी शैया पर लेटे हैं, कुत्ते को देखते ही कैसे कहते हैं, आओ कुत्र आओ, मुझे काट लो कुत्र, मुझे काट लो, पक गया हूं मैं शैया पर लेटे लेटे, मुझे काट लो कुत्र, मुझे काट लो। अब शाहरुख खान साहब के यहाँ पार्टी थी, तो ऑब्वियसली बॉलीवुड के सिंगर्स भी आएंगे, तो बॉलीवुड के सिंगर्स वहां आते हैं। तो आपके सामने बॉलीवुड के सिंगर्स की आवाज पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सबसे पुराने केएल सहगल साहब, वो कैसे गाया करते थे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। हमारे एसडी बर्मन साहब, उन्होंने नाव पर इतने गाने गाए, लगा कि शायद पूरी जिंदगी उनकी नाव पे ही गुजर गई। वो गाते थे, कैसे गाते थे, ओरी माझी, ओरी माझी, मेरे सारन है उस पार, तू उस पार, मैं मन मार, ओ मेरे माझी अब की बार। हमारे हेमंत कुमार साहब, पुराने सिंगर, कैसे गाते थे वो। ये दिल की सुनो दुनिया वालों, ये मुझको अभी जब रेडो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दूं। किशोर कुमार, मेरे नैन
हमारे मुकेश नेजल वॉइस थिंग की वो कैसे गाते थे, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना। हमारे महेंद्र कपूर साहब, आप में से अगर किसी ने महाभारत सीरियल देखा हो पहले, तो महाभारत जब खत्म हुआ करता था तो किसी दोहे के साथ खत्म होता था, महेंद्र कपूर साहब उसे गाते थे। जैसे दोहा है, रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो महाभारत के एंड में होता है, तो महेंद्र कपूर कैसे गाते इसको, रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े। हमारे नितिन मुकेश साहब, मुकेश साहब के जो बेटे थे वो कैसे गाते थे, ओ जिंदगी की ना टूटे हमारे अदनान सामी साहब वैसे गाते जैसे नींद में गा रहे हो, कभी तो कभी तो गरीब जो गरीब। पप्पी लहरी साहब, यार भी न चीन करे, यार भी न चीन करे, सुन नहीं चंदी नहीं यार तो मिला अरी प्यार के दिले। हमारे उदित नारायण साहब कैसे गाते हैं, उदित नारायण साहब जैसे एक गाना है कल गुना हो मूवी का, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, उनकी आदत है एक तो हाथ मिला हिला के गाने की, और वो कैसे गाते हैं इस गाने को, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हमारे हिमेश रेशमिया साहब वो कैसे गाते हैं, तुम सांसों में तुम जिगर में उतर गए, उतर गए हम तो दीवाना, हम तो दीवाना, दीवाना कर गए। और आपकी समझ में तो अमिताभ बच्चन की आवाज, अमिताभ बच्चन जब पहले गाया करते थे और आज कैसे गाते हैं अमिताभ बच्चन पहले वाले, रंग बल से भीगे चुनर वाले रंग बरसे, और किने मारे पिचकारे तोरे भीगे अंगिया। और आज वो कैसे गाते हैं, मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं याद जाती नहीं बिन तेरे अब जिया जाए ना। और अंत में एक सही में पता भी नहीं, ये शेर उसी चीज के लिए, अगर समझ में आए तो अपनी तालियों से बताइएगा, कि जिससे उम्र भर तौबा, कि जिससे उम्र भर तौबा वही कल रात पी ली है, कई सदियां तुम्हारे संग बस दो दिन में जी ली है, वहां पानी है यहां पानी है अब तन्हा, वहां एक रंग तन्हा है, यहाँ पानी है अब तन्हा, वहां एक रंग तन्हा है, तुम्हारे हाथ पीले हैं हमारी आंख के लिए। थैंक यू।